बाद उसकी नानी फोन छीन लिया है, कह रहा दूसरा शादी कराएंगे। अम्मा न्याय मांगने, मेरा पति ढूंढ के दे दिए, मेरा पति से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, उसके परिवार वाला हमें नहीं चाहता। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज। रोती बिलखती महिला दर दर भटकती हुई अपने पति के फोटो लेकर हाथ में यूं दर दर बेबस लाचार महिला भटक रही है। ये खबर भागलपुर से निकलकर सामने आई है, जहां एक महिला के हाथ में उसका पति का फोटो है। और ये फोटो इसलिए है कि वो न्याय मांग रही है, न्याय की गुहार लगा रही है अपने ही पति को पाने के लिए। ऐसे में आपको बता दें कि बीते 7 साल पहले महिला जो लड़की है और उसके लड़का है, दोनों की 7 साल पहले लव मैरिज शादी होती है। और लव मैरिज शादी होने के बाद लड़का के जो परिवार होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि लड़की के साथ रहे, इसलिए अपने जो लड़का के नानी होती हैं वो लड़का को अपने घर बुलाती हैं और लड़का को बंधक बना लेती हैं। और ऐसे में लड़की को छोड़ने के लिए कहता है, उसकी नानी कहती है। ऐसे में पति जो है, पति की दूसरी शादी उसके नानी करवाना चाहती हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि ये जो महिला है हाथ में अपने पति का नीतीश का फोटो लेकर दर दर भटक रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। रोती बिलखती महिला आप देख सकते हैं तस्वीरों में, स्क्रीन पे हमारी तस्वीरें चल रही है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो महिला है हाथों में फोटो लेकर अपने ही पति को पाने के लिए गुहार लगा रही है। कह रही है कि हमारे पति के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ है, हम और पति हम साथ में रहना चाहते हैं, बल्कि 7 साल से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जो लड़का के परिवार है, जो हमारे ससुराल वाले हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मेरे साथ हमारे पति रहें, वो चाहते हैं उनकी शादी कहीं और करवा दें और वो अलग करना चाहते हैं। इन तमाम बातों को लेकर क्या कुछ कह रही है पीड़ित महिला, उनकी बातों को आप सुनिए। उसके नानी फोन करा, वो भाग आया कि मेरा मम्मी मर गया। भागलपुर क्यों आए? हम आए यहाँ न्याय मांगने, मेरा पति ढूंढ के दे दिए, मेरा पति से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, उसके परिवार वाला हमें नहीं चाहता है। पति कहाँ चला गया आपका? वो गया है साहेबगंज झारखंड अपने नानी के पास, उसकी नानी फोन छीन लिया है, कह रहा दूसरा शादी कराएंगे, हम नहीं रखेंगे, मेरा पति तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहा हम नहीं छोड़ेंगे। अभी कहाँ आए हैं? अभी हम आए यहाँ भागलपुर। किसके पास? अन्याय मांगने अपने पति को ढूंढने। क्या नाम है आपका? मीनू देवी। कहाँ के रहने वाली हैं? बेगूसराय। कब शादी हुई? हो गया 7 साल हो गया। क्या किसके बीच अनबन हुआ, कौन नहीं रहा? उसकी नानी है, उसकी मौसी और मम्मी, ये तीन के बीच हमारे विवाद चलता है। तीन बार आए तो वो चला आया। कारण क्या है? कारण कुछ नहीं, हम दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे थे। तो आपने साफ तौर पर सुना कि महिला का सीधे तौर पर कहना था, रोते हुए कह रही है कि मेरा पति मुझे वापस दिलवा दो, मुझे न्याय दिला दो। और ऐसे में गुहार लगा रही है न्याय की और रोती बिलखती हुई दर भटक रही है, लेकिन कोई सुनने वाला उनका नहीं है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें।